कुरुक्षेत्र के महान रंगमंच पर, जहाँ जीवन और मृत्यु का ब्रह्मांडीय नृत्य हो रहा है, कुंती के वीर पुत्र अर्जुन भावात्मक उलझन में फंसे हुए हैं। ये श्लोक हम सबके आत्मिक यात्रा में आंतरिक संघर्ष का एक दर्पण है। अर्जुन एक समर्पित खोजकर्ता का प्रतीक, दो प्रकृतियों में फंसे हुए हैं, उनकी पुरुष प्रकृति जो उग्र आत्मनियंत्रण और तार्किकता का प्रतीक है, उनकी स्त्री प्रकृति प्रेम सहानुभूति और भावना के एक भंडार से टकरा रही है। कुंती के पुत्र के रूप में संदर्भित होना अर्जुन की मानव सीमाओं की मायने में एक याददाश्त है। कुंती जो आत्मिक ऊर्जा को आकर्षित करने की शक्ति का प्रतीक है, उनकी उच्च प्रकृति के लिए एक बीकन है। अर्जुन के सामने जो शत्रु हैं, वह केवल भारी नहीं है, वह मानसिक रिश्तेदार है, जो आदतें प्रवृत्तियां और इच्छाएं हैं जो उनके साथ कई जन्मों तक रहेंगी। ये वही पारिवारिक बंध है जो उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखता है। इस प्रकार भगवत गीता का ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि आत्मिक उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होते समय हमें अपने आप में संतुलन स्थापित करना है। ये एक ऐतिहासिक और आत्मिक संदेश है जो हर खोजकर्ता के लिए अमूल्य है। नमस्ते।